विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर शिरोमणि अकाली दल की ओर से बड़े बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए गए हैं, जिसके चलते हर पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है। गत दिनों शिरोमणि अकाली दल के पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है कि वर्ष 2022 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनने पर 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से एक दलित और दूसरा हिंदू चेहरा डिप्टी सीएम होगा। सुखबीर बादल के इस ऐलान के बाद बहुजन समाज पार्टी में काफी खुशी पाई जा रही है, जिसके तहत नाभा से शिरोमणि अकाली दल के हल्का इंचार्ज बाबू कबीर दास और पार्टी वर्करों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बाबू कबीर दास ने कहा कि वे पार्टी प्रधान सुखबीर बादल के इस ऐलान से काफी खुश हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल टूट चुकी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आपस में लड़ रहे हैं और लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। साडे प्रधान साहब ने सत्कारयोग सुखबीर सिंह बादल जी ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला किया, जिदे च श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनते दलित दल डिप्टी सीएम बनूगा और जिहड़ा कल अनाउंसमेंट हुई है भी डिप्टी सीएम है जिहड़ा हिंदू वर्ग चो लिया जाऊगा। मैं समझदा ये बादल साहब की बहुत बड़ी सोच है, जो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की सोच सी वो सोच मैं समझदा सुखबीर सिंह बादल दे विच आ रही है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल सैकुलर पार्टी है, सारे धर्मां दा सत्कार करती है, सारे हिंदू वर्ग दा सत्कार करती है, दलित वर्ग दा सत्कार करती है, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल जिहदा सत्कार नहीं करता।